इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट वर्सेस मिस्टर इंडियन हैकर वर्सेस सौरभ जोशी ब्लॉग्स वर्सेस कैरी मिनाटी यूट्यूब चैनल स्टेटस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चैनल ओनर के बारे में। मिस्टर बीस्ट चैनल के ओनर का नाम जिमी है। मिस्टर इंडियन हैकर चैनल के ओनर का नाम दिलराज है। सौरभ जोशी ब्लॉग्स चैनल के ओनर का नाम सौरभ है। कैरी मिनाटी चैनल के ओनर का नाम अजय है। अब बात करते हैं इनके निकनेम के बारे में। जिमी का निकनेम मिस्टर बीस्ट है। दिलराज का निकनेम मिस्टर इंडियन हैकर है। सौरभ का निकनेम सोरदा है। अजय का निकनेम कैरी है। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। जिमी प्रोफेशन से बिजनेसमैन और यूट्यूबर है। दिलराज प्रोफेशन से यूट्यूबर है। सौरभ प्रोफेशन से ड्राइंग आर्टिस्ट और यूट्यूबर है। कैरी प्रोफेशन से यूट्यूबर है। अब बात करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जिमी का जन्म 7 मई 1998 में हुआ था। दिलराज का जन्म 8 जनवरी 1996 में हुआ था। सौरभ का जन्म 8 सितंबर 1999 में हुआ था। कैरी का जन्म 12 जून 1999 में हुआ था। अब बात करते हैं इनके एज के बारे में। जिमी का करेंट एज है 24 ईयर्स। दिलराज का करेंट एज है 25 ईयर्स। सौरभ का करेंट एज है 23 ईयर्स। कैरी का करेंट एज है 23 ईयर्स। अब बात करते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में। जिमी का जन्म अमेरिका में हुआ था। दिलराज का जन्म राजस्थान में हुआ था। सौरभ का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कैरी का जन्म हरियाणा में हुआ था। अब बात करते हैं इनके होम टाउन के बारे में। जिमी का करेंट होम टाउन अमेरिका में है। दिलराज का करेंट होम टाउन राजस्थान में है। सौरभ का करेंट होम टाउन उत्तराखंड में है। कैरी का करेंट होम टाउन हरियाणा में है। अब बात करते हैं इनके नेशनलिटी के बारे में। जिमी नेशनलिटी से अमेरिकन है। दिलराज नेशनलिटी से इंडियन है। सौरभ नेशनलिटी से इंडियन है। कैरी नेशनलिटी से इंडियन है। अब बात करते हैं इनके रिलीजन के बारे में। जिमी रिलीजन से ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। दिलराज रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। सौरभ रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। कैरी रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इनके हाइट के बारे में। जिमी की हाइट है 6 फीट 3 इंच। दिलराज की हाइट है 5 फीट 9 इंच। सौरभ की हाइट है 5 फीट 6 इंच। कैरी की हाइट है 5 फीट 5 इंच। अब बात करते हैं इनके वेट के बारे में। जिमी का वेट है 82 किलो। दिलराज का वेट है 70 किलो। सौरभ का वेट है 50 किलो। कैरी का वेट है 60 किलो। अब बात करते हैं इनके हॉबीज के बारे में। जिमी को खाली समय में स्विमिंग करना और ट्रैवलिंग करना बेहद पसंद है। दिलराज को खाली समय में बुक्स पढ़ना और ट्रैवलिंग करना बेहद पसंद है। सौरभ को खाली समय में ड्राइंग करना और ट्रैवलिंग करना बेहद पसंद है। कैरी को खाली समय में गेमिंग करना और ट्रैवलिंग करना बेहद पसंद है। आप बात करते हैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जिमी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। दिलराज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। सौरभ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BFA। कैरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। आप बात करते हैं इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में। जिमी मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड है। दिलराज मैरिटल स्टेटस से मैरिड है। सौरभ मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड है। कैरी मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड है। आप बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। जिमी के पास एक लंबोर्गिनी ग्लैरडो कार है जिसकी कीमत है लगभग 3 करोड़ रुपीज। दिलराज के पास एक टोयोटा फॉर्चूनर कार है जिसकी कीमत है लगभग 43 लाख रुपीज। सौरभ के पास एक टोयोटा लेजेंडर कार है जिसकी कीमत है लगभग 44 लाख रुपीज। कैरी के पास एक टोयोटा फॉर्चूनर कार है जिसकी कीमत है लगभग 43 लाख रुपीज। आप बात करते हैं इनके बाइक कलेक्शन के बारे में। जिमी के बाइक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिलराज के पास एक बजाज पल्सर 220F बाइक है जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपीज। सौरभ के पास एक KTM 200 ड्यूक बाइक है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपीज। कैरी के बाइक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके यूट्यूब चैनल कैरियर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चैनल के ईयर्स एक्टिव के बारे में। जिमी ने मिस्टर बीस्ट चैनल को 20 फरवरी 2012 को बनाया था। दिलराज ने मिस्टर इंडियन हैकर चैनल को 21 जून 2012 को बनाया था। सौरभ ने सौरभ जोशी ब्लॉग्स चैनल को 19 फरवरी 2019 को बनाया था।
कैरी ने कैरिमिनाटी चैनल को 30 अक्टूबर 2014 को बनाया था। अब बात करते हैं इनके चैनल के टोटल सब्सक्राइबर्स के बारे में। जिमी के मिस्टर बिस्ट चैनल पर 90.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दिलराज के मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर 23.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सौरव के सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर 12.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कैरी के कैरिमिनाटी चैनल पर 34.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात करते हैं इनके चैनल के लास्ट जनवरी मंथ सब्सक्राइबर्स के बारे में। जिमी के मिस्टर बिस्ट चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आए थे। दिलराज के मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 600 के सब्सक्राइबर्स आए थे। सौरव के सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 900 के सब्सक्राइबर्स आए थे। कैरी के कैरिमिनाटी चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 900 के सब्सक्राइबर्स आए थे। अब बात करते हैं इनके चैनल के टोटल वीडियोस के बारे में। जिमी ने मिस्टर बिस्ट चैनल पर टोटल 719 वीडियो अपलोड किए हैं। दिलराज ने मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर 774 वीडियो अपलोड किए हैं। सौरव ने सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर 866 वीडियो अपलोड किए हैं। कैरी ने कैरिमिनाटी चैनल पर 178 वीडियो अपलोड किए हैं। अब बात करते हैं इनके चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो के बारे में। जिमी के मिस्टर बिस्ट चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 219 मिलियन व्यूज हैं। दिलराज के मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 65 मिलियन व्यूज हैं। सौरव के सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 32 मिलियन व्यूज हैं। कैरी के कैरिमिनाटी चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में 284 मिलियन व्यूज हैं। अब बात करते हैं इनके चैनल के टोटल लाइफ टाइम व्यूज के बारे में। जिमी के मिस्टर बिस्ट चैनल पर 14.78 बिलियन टोटल लाइफ टाइम व्यूज हैं। दिलराज के मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर 3.90 बिलियन टोटल लाइफ टाइम व्यूज हैं। सौरव के सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर 4.05 बिलियन टोटल लाइफ टाइम व्यूज हैं। कैरी के कैरिमिनाटी चैनल पर 2.78 बिलियन टोटल लाइफ टाइम व्यूज हैं। अब बात करते हैं इनके चैनल के लास्ट जनवरी मंथ व्यूज के बारे में। जिमी के मिस्टर बिस्ट चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 351 मिलियन व्यूज आए थे। दिलराज के मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 97 मिलियन व्यूज आए थे। सौरव के सौरव जोशी ब्लॉग्स चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 360 मिलियन व्यूज आए थे। कैरी के कैरिमिनाटी चैनल पर लास्ट जनवरी महीने में 74 मिलियन व्यूज आए थे। अब बात करते हैं इनके मंथली इनकम के बारे में। जिमी महीने के लगभग 90 लाख से 95 लाख रुपए कमा लेते हैं। दिलराज महीने के लगभग 30 लाख से 35 लाख रुपए कमा लेते हैं। सौरव महीने के लगभग 60 लाख से 65 लाख रुपए कमा लेते हैं। कैरी महीने के लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब बात करते हैं इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में। मिस्टर बिस्ट के 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। दिलराज के 344 के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। सौरव के 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अजय के 14.6 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। जिमी की नेटवर्थ है 184 करोड़ रुपीज। दिलराज की नेटवर्थ है 8 करोड़ रुपीज। सौरव की नेटवर्थ है 19 करोड़ रुपीज। कैरी की नेटवर्थ है 32 करोड़ रुपीज़।